इलास्टिसिटीज और ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कि फार्मर्स भी कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं ऑन रिपोर्टेड इलास्टिसिटीज इनपुट मैनुफेक्चर भी कर सकते हैं और फूड प्रोसेसर्स एंड ट्रेड फर्म्स भी करेंगे जब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे विद रेफर तो यहाँ पे मेरे पास सिचुएशन क्या हो सकती है कि इट माइट बी पॉसिबल डिमेंड फॉर अर्टिकुलर फॉर्म आउटपुट इज इलास्टिक और यहां पे मेरे पॉलिसी मेकर का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है इट माइट बी पॉसिबल मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी मेकर इज टू मैक्सिमाइज़ द रेवेन्यू ऑफ फार्मर्स। और अगर डिमांड एक प्रोडक्ट की फार्म आउटपुट की इलास्टिक है तो देन बाई कंट्रोलिंग सप्लाई इन मार्केट क्या होगा क्या रेवेन्यू और इनकम ऑफ द फार्मर विल डिक्रीज और इस सिचुएशन में पॉलिसी मेकर को क्या करना चाहिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या था ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी मेकर इज टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू ऑफ द फार्मर्स एंड इफ डिमांड इज इलास्टिक देन इन दिस सिचुएशन ही शुड नॉट कंट्रोल द सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर मार्क पर्टिकुलर फार्म आउटपुट इन द मार्केट अब अगर हम यू यूम कर कि डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर फार्म आउटपुट इज इन इलास्टिक वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन एबसुलट टर्म्स इज लेस देन One, तो इस केस में क्या हो सकता है कि बाई कंट्रोलिंग सप्लाई इन दार्केट टोटल रेवन्यू ऑफ द फार्मर कैन बी इंक्रीज अब जब हम बात करते हैं कि टोटल कंट्रोलिंग सप्लाई आर इंक्रीजिंग सप्लाई तो पॉलिसी मेकर इसको कैसे करेगा पॉलिसी मेकर कैन रेगुलेट दिस थिंग ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज के इफ डिमांड इज

और जब हम कहते हैं डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज इन लास्ट पॉलिसी मेकर क्या कर सकता है कि पॉलिसी टू कंट्रोल द आउटपुट पॉलिसी मेकर कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन सप्लायर एंड बाय पुटिंग टैक्सेस ऑन द सप्लायर वो क्या हो जाएगा देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर फार्मिंग आउटपुट और जब वो फार्मिंग आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा मार्केट में सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी प्राइस ऑफ दैट फार्मिंग आउटपुट विल इंक्रीज और बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फार्मिंग आउटपुट इन द मार्केट टोटल रेवेन्यू ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फार्मर विल इंक्रीज सो पॉलिसी मेकर कैन कंट्रोल द सप्लाई ऑफ अ फॉर्म आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर इसी पैटर्न पे, पे जब हम बात करें एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिमेंड इलास्टिसिटीज विद रेफरेंस टू फार्मर्स

सपोज मैं यहाँ पे प्रॉफिट के रेफरेंस में बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मर है कि उसको अपने रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने और अगर उसको पता है कि डिमांड फॉर इट्स आउटपुट इज इलास्टिक्रीजिंग्रीजिंग द प्राइस ऑफ दट पर्टिकुलर मॉडिटी इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज़ इन प्राइस ऑफ द वेजिटेबल फार्मर्स रेवेन्यू क्या हो जाएंगे देयर इज इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ द फार्मर्स और ये डिक्रीज इन प्राइस क्यों हो सकता है जी बाई सिंपली इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ फार्मिंग आउटपुट इन द मार्केट और यहां पे कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि डिमेंड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज यूनिट इलास्टिंग जी आप इंक्रीज करें सप्लाई या डिक्रीज करें सप्लाई इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द और इनकम ऑफ फार्मर्स। सो डिपेंडिंग अपॉन द इनकम इलास्टिसिटीज़ इलास्टिस कर सकता है मार्केट इसी चीज को अगर हम कंज्यूमर के परस्पेक्टिव में बात करें कि अगेन डिमांड इलास्टिसिटीज कैन बी यूज फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंज्यूमर अगर हम एज्यूम कर लें कि डिमांड फॉर फ्रूट इज इलास्टिक इन पर्टिकुलर मार्केट और वहां पे अगर हम एज्यूम कर लें कि देर इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फ्रूट इन दार्केट एंड बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फ्रूट देयर इज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर ऑन फ्रूट हां जी इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन फ्रूट क्यों हो गया के फ्रूट डिमांड फॉर फ्रूट इज इलास्टिक इन द मार्केट इफ डिमांड फॉर फ्रूट इज इन इलास्टिक उस सिचुएशन में क्या होगा कि इफ देयर इज अ डिक्रीज इन प्राइस इन द मार्केट बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज इन प्राइस इन द मार्केट कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर क्या होंगे इट विल डिक्रीज के जी ओन डिपेंडिंग अपॉन द इलास्टिसिटीज डिमेंड इलास्टिसिटीज ऑफ

ये जो डिमांड इलास्टिसिटीज हैं इसकी कुछ एप्लीकेबिलिटी विद रेफरेंस टू इनपुट मैन्युफैक्चरर्स भी होगी अगर डिमांड इलास्टिक है मेरी क्या है डिमांड फॉर इज इलास्टिक एंड इफ देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन सप्लाई देयर इज इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ द फार्मर जी डिमांड फॉर pulses is elastic in the market and if there is increase in supply it results in increase in revenue of the farmers or ye increase in revenue of the farmer kabuye when there is increase in supply in the market kya Ke in, it encourages production of pulses and when there is encouragement in the production of pulses it also results in more demand for farming input के जी इट गिव एन इंडिकेटर टू द मैन्युफेक्चर ऑफ इंपोर्ट के इफ डिमांड इज इलास्टिक फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी देन टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू फार्मर क्या करेगा फार्मर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर आउटपुट और उसको आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा ही हैज टू परचेज मोर इनपुट हाँ जी क्या इनपुट हो सकते हैं यहां पे मेरे पास फर्टिलाइजर हो सकता है यहां पे मेरे पास और जो भी कोई फार्मिंग इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज वो सारे यहां पे अपना रोल प्ले कर सकते हैं फिर इसी पैटर्न पे अगर हम बात करें कि डिमांड फॉर इज इन इलास्टिक जी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हमारा यहाँ पे ओनली टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ फार्मर इफ डिमांड ऑफ पल्सिस इन इलास्टिक By then, by increasing in supply, if there is increase in supply, then there is decrease in revenue of the farmers. Now, here what is there is a discouragement for the production of pulses. Why there is a discouragement? if there is increase in supply of pulses, then there is decrease in revenue. But objective of the farmer was that he has to maximize its revenue. वो क्या करेगा कि अंडर इफ डिमांड इज इन लास्ट वो डिस्करेज करेगा टू प्रोड्यूस मोर वेन देयर इज अ डिस्करेजमेंट बिकॉज ऑफ दैट डिस्करेजमेंट देयर इज लेस डिमांड फॉर फार्मिंग इनपुट्स इनपुट जी कौन से इनपुट्स आ सकते हैं यहाँ पे उसके लिए कैपिटल रिक्वायर्ड होगा कि इट नीड सर्टन मशीनरी टू प्रोड्यूस पल्स हाँ जी यहाँ पे उसको फर्टिलाइजर भी रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे उसको सीड भी रिक्वायर होगा

ट्रेड ऑफ दर्म्स तो यहां पर सिचुएशन क्या होगा कि हम उसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं इट विल डिक्रीज रिटेल प्राइस एंड बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज इन रिटेल प्राइस देअर इज डिक्रीज देयर इज इंक्रीज इन क्वानिटी क्वानिटी

कि इफ देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई इन द मार्केट देन देयर इज डिक्रीज इन देयर रेवेन्यू। बट डिक्रीज इन रेवेन्यू एट होल सेल लेवल क्या होगा इट इज मोर एज कंपेयर टू रिटेल लेवल अब मैं अगर इन सारी चीजों को समराइज करूं कि जी कंप्यूटेड वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी बड़ा की रोल प्ले करता है इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ पॉलिसी मेकर फार्मर्स consumers and all the stakeholders that work in food industry